लोगों की भावना में आस्था के चलते लोग सही गलत की समझ भी भूल जाते हैं, जिसके चलते ऐसे ढोंगी बाबा के संपर्क में आ जाते हैं जो कि जिंदगी में परेशानियों को खत्म करने की जगह परेशानी बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के शाहजहांपुर में देखने को मिला। स्वामी अनुज चेतन सरस्वती नाम के बाबा ने लोगों को अपनी चाल में फंसाकर 6 लड़कियों से तो शादी और 32 लड़कियों को अभी के समय डेट कर रहा है। लड़कियों को फंसाने के लिए ये बाबा कभी मौलवी, तांत्रिक, व्यापारी व जरूरत के अनुसार अपना रूप बदलता है। हम आपको बता दें कि ये बाबा पहले भी अपने ही परिवार की महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में जेल जा चुका है। जेल से बाहर निकलते ही लड़कियों को फंसाने के लिए अपने ही पैतृक गांव शाहजहांपुर में ही आश्रम खोल करके बैठ गया है और वहां पर महिलाओं को फंसाने का काम फिर से शुरू कर दिया है। बाबा की तीसरी और पांचवी पत्नी ने कानपुर केदवई नगर थाने में बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। जब पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि बाबा ने शादी की वेबसाइट पर भी लकी पांडे नाम से आईडी बना रखी है, जहां से वो 32 लड़कियों को डेट कर रहा है। सभी महिलाओं को ये बताया हुआ है कि उसने बीएससी पास किया हुआ है, जबकि बाबा 8वीं पास है। फिर भी बाबा को 17 भाषाओं का ज्ञान है। सभी के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि बाबा इतनी लड़कियों के साथ करते क्या हैं? पुलिस ने जांच में पाया कि वो इन लड़कियों को बेचता है। आसपास के लोगों का कहना है कि बाबा का खेल तो काफी समय से चल रहा था, लेकिन 2016 में जब अपने ही छोटे भाई की पत्नी को दिल्ली लेकर जाकर बेचा, उस समय से लोगों को बाबा के बारे में पता चला। अब जांच के चलते बाबा की गैर पत्नियां भी सामने आ रही हैं। जांच के साथ ही अब बाबा की पूरी कहानी सामने आएगी। स्पेशल डेस्क से शिल्पी मित्तल की रिपोर्ट।